दो चार लाख होती कोई दिक्कत नहीं थी, 19 लाख ईवीएम गायब हो गई। आएगा मोदी, ये बात सही है, आएगा ईवीएम के दम पे ही। 3 तलाक हुई, 3 तलाक से रोजगार कहाँ मिला बताओ? बदलाव सिर्फ एक राहुल गांधी ला सकता है भाई, कांग्रेस है राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन खुद मिला हुआ है भाई। क्या लगता है ईवीएम पे जो सवाल उठता है बार बार, क्या सच है क्या? भाई 19 लाख ईवीएम गायब हो गई, पता है ना आपको, तो वो कहाँ गई आप बताएं? मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होगा। नहीं नहीं भाई, डिफेक्ट कैसे होगा, 19 लाख दो चार लाख होती कोई दिक्कत नहीं थी, 19 लाख ईवीएम गायब हो गई। कहाँ गई आप ही बता दें भाई, ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना कहाँ गई। आपको लगता है नॉलेज है तो आप सबके पास ही, ईडी और ये सब जगह भेज रहे हैं, तो 19 लाख ईवीएम का पता क्यों नहीं लगा? ये सारी घपलेबाजी है भाई, सब सारी घपलेबाजी, ये क्या नाम है, सारा मामला ख़राब है। और ये जो है ना, आएगा मोदी, ये बात सही है, आएगा ईवीएम के दम पे ही, ये बात भी सही है। ये हिंदू मुसलमानी करवा करवा के बस खाली दोनों को अलग कर दिया है। 3 तलाक, 3 तलाक का क्या मसला हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आज भी तलाकें हो रही हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि मतलब तलाक होने के बाद में कोई जेल भेज दे, कोई सामने वाला केस ही नहीं कर रहा, जाओ क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। 370 से क्या फ़ायदा हुआ भाई साहब, ये बताओ आप मुझे। बताया जाता है कि दंगे जो होते थे पहले, वहाँ पुलिस सोल्जर जितने होते थे उस पर दंगे हो जाते थे, लेकिन अब जब से हटाए थे उससे खत्म। अच्छा, पुलवामा जो हुआ वो कैसे हुआ? पुलवामा कैसे हुआ? मुँह तोड़ जवाब भी दिया। अरे भाई, मुँह तोड़ जवाब खाली वही कह ही तो रहे हैं, कहने से क्या होता है, कहने से कुछ नहीं होता। मोदी राज में काम नहीं हुआ क्या? क्या काम हुआ बताओ? 370 अड्डी, 3 तलाक हुई, 3 तलाक से रोजगार कहाँ मिला बताओ? 370 से रोजगार मिला आप बताओ, और क्या काम हुआ आप बताओ, फिर मैं बताऊँगा आपको। सीए लाना, सीए से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है बताइए। यही तो बड़ा मुद्दा उठाती है ना बीजेपी के, हमने 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बनवाया, सीए लाया, बड़े काम किए। एक मिनट, राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर से रोजगार मिला किसी को? मिला बताओ मुझे, कोई ऐसा आदमी है जिसे रोजगार मिला? हाँ, सिर्फ अडानी अंबानी का फ़ायदा हो रहा है इस टाइम, सबसे जो उद्योगपति हैं उनका हो रहा है, जो भी हो रहा है, और किसी का नहीं हो रहा भाई साहब। कैसे बदलाव होगा? जनता तो ये भी कह रही है कि विपक्ष के चेहरे, सिर्फ एक राहुल गांधी ला सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं ला सकता। उनका तो मजाक उड़ा देती है जनता। मजाक भाई जनता नहीं उड़ाती है, गोदी मीडिया उड़ाती है। भैया बता रहे थे कि चेहरे नहीं है विपक्ष के, कांग्रेस का वो है मेन बात भाई, कांग्रेस है राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नहीं है सर। क्या लगता है इस बार बीजेपी जो 400 पार का हुआ बनाए हुए, क्या लगता है हो पाएगा? भाई ईवीएम के दम पे बोल रही है भाई, वो ईवीएम, अब 19 लाख अगर वो ईवीएम मशीन गायब हुई है तो क्यों गायब हुई है? हो सकता है 19 लाख में घपला कर दें, चेंज कर देंगे, तो उन्हें क्या करना है भाई? बतेरी वीडियो आती रहती है, काफ़ी जगह पकड़े गए ये, पूरी ईवीएम मशीन का पूरी गाड़ी के नाम चेंज हो जाती है, तो भाई साहब होने कुछ भी हो सकता है। जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है बिल्कुल। कहीं ये चाह रहे हैं क्या, वैलिड पहले जैसा वैलिड पेपर से होना चाहिए? होना वही होना चाहिए भाई, वैलिड पेपर से। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो तो कहती है कि ईवीएम सबसे फास्ट मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन खुद मिला हुआ है भाई, ईडी सीबीआई सब कुछ तो इनका है। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन के टाइम पे हमेशा ईवीएम पे सवाल उठते हैं, बताया जाता है वोट कहीं दे रहे हैं लेकिन जा कहीं रहा है, और ये भी इल्ज़ाम लगे हैं मोदी जी पे कि जब तक ईवीएम है तब तक तो वही जीतेंगे, अगर ईवीएम बदला, ईवीएम से चुनाव होना बंद हुआ, मोदी हार जाएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।